कैमूर जिले के अखलासपुर गांव में वीर प्रताप सिंह नामक एक व्यक्ति के द्वारा एक बच्चे का अपहरण कर लिए जाने के बाद लोगों ने स्वयं ही उसे वीर प्रताप सिंह के यहां से बरामद कर लिया और फिर वीर प्रताप सिंह को अपने कब्जे में लेकर उनसे मारपीट करने लगी। बाद में सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और अपहरण के आरोपी को लोगों के कब्जे से छुड़ाया। कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि तो पुलिस को सूचना दी नहीं गई थी, लेकिन जिसके व्यक्ति पे इन लोगों को संदेह था ग्रामीणों को, उसको बंधक बना लिया गया था। अभय प्रताप सिंह नाम का व्यक्ति है। बाद में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस गई तो फिर पुलिस से पथराव किया जाने लगा। इसी तरह से पुलिस ने इस व्यक्ति को उनके चंगुल से अलग किया। इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चे को इन्होंने किडनैप किया है। इनके बताए अनुसार ही इनके घर के बेसमेंट से उस बच्चे को निकाला गया है, बरामद किया गया है। छोटा बच्चा है, अभिषेक कुमार बच्चे का नाम है, क्लास 3 में पढ़ता है। इनके बच्चे से पूछताछ की गई तो बच्चे ने बताया कि जैसे बच्चे ने बताया है कि कुछ धान वान ले लिया था, वहाँ से भूख लगा था खाने के लिए। इसी आरोप में ही उस व्यक्ति ने पकड़ के इसको अपने घर पर रखा हुआ था। ये तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसमें अभी सब कुछ मामला नियंत्रण। पुलिसकर्मी घायल, एक पुलिसकर्मी घायल है, एक पुलिस घायल है, बाकी हम लोग देख लेते हैं। ऐसा कोई विशेष कुछ अभी क्या स्थिति है सर? अभी सामान्य स्थिति सामान्य है, उन लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चा बरामद हो गया है और जल्दी हम लोग सब कुछ नियंत्रण में कर लेंगे। सर कहाँ का मामला है ये? अखलासपुर का मामला, भभुआ थाना क्षेत्र। भभुआ थाना क्षेत्र में।